हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे से साउंड एंड शाइन कर रहे होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो है वीकली मील प्लानिंग के ऊपर। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक होम मेकर है और आप एक वर्किंग वुमेन है, आपके लिए ये जो वीकली मील प्लान है ना, वो बिल्कुल मैजिकल होने वाला है। बिकॉज इससे आप ना बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाले हैं, बहुत ज्यादा मनी बचाने वाले हैं, और तो और बहुत ज्यादा एनर्जी भी बचाने वाले हैं, और अपना जो स्ट्रेस है ना उसको बहुत कम करने वाले हैं। तो ये जो वीकली मील प्लान है, ये मैंने पूरा वीक पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया है। इससे पहले आज तक मैंने कभी भी मील प्लानिंग नहीं की थी। सो पिछले कुछ मंथ से मैं भी इसी तरह वीकली मील प्लान तैयार कर रही हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी पसंद आएगा, प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का एक पार्ट जरूर बनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीकली मील प्लान वीडियो को। यहाँ पे मेरी वीकली मील प्लानिंग शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसी तरह अपनी वीकली प्लान करोगे ना मील्स को, तो आपकी जो टाइम है बहुत बचने वाला है, एनर्जी सेव होने वाली है, इनफैक्ट आप मनी बहुत सेव करने वाले हो, और आपकी जो लाइफ है ना वो हैसल फ्री हो जाएगी। आप आराम से अपना हर एक मील जो है ना उसको एंजॉय कर पाओगे, अपने बच्चे के साथ जो है थोड़ा थोड़ा टाइम भी जो है ना, जो कीमती टाइम है वो यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले मील प्लानिंग के लिए हमें चाहिए एक मील प्लानर, जो कि आप देख सकते हैं मैंने घर पर ही अपने आप एक पेपर पर बनाया है। जरूरी नहीं आपको मार्केट से बाय करके लाना है, आप घर पे आराम से अपनी एक डायरी भी यूज कर सकते हो और एक पेज भी यूज कर सकते हो। साथ में मील प्लानिंग के लिए हमें चाहिए कुछ बॉक्सेस, तो यहाँ पे मैंने बॉक्सेस और जिप्पी लॉक यूज की है, क्योंकि आपको वेजिटेबल्स को स्टोर भी करना है जो आप अपनी मील प्लानिंग के अंदर यूज करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने अपनी मील प्लानिंग जो है ना वो शुरू कर दी है। तो मील प्लानिंग हर टाइम बहुत ही सिंपल रखती हूँ, जो कि मैं अपना इजीली ऑप्ट कर पाऊँ। यहाँ पे आप देखिए मैंने शुरू कर दिया है, हर एक ब्रेकफास्ट, हर एक जो डे की मील है वो मेरी चेंज रहती है दूसरे से। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स का भी लिख दिया कि कौन से फ्रूट्स हम पूरे वीक यूज़ करेंगे, इनफैक्ट कौन सी ग्रोसरी हमारे पास ख़त्म हो चुकी है जो कि हमें बाय करके लेकर आनी है। क्योंकि ये सारी की सारी मील प्लानिंग मैं संडे को करती हूँ, तो हमें पता होता है कि हमें ग्रोसरी के लिए क्या लाना है। मेरी मील प्लानिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल रहती है, जैसे कि आप दाल देख सकते हैं। लेंटिल के लिए मैंने ऑप्शन रखी है कि मैं कोई भी लेंटिल बना सकती हूँ, जो भी चीज़ मेरे पास अवेलेबल होगी। तो जिस तरह का मील प्लान मेरा रहेगा मैं उस हिसाब से दाल बना सकती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरू कर रहे हैं मील प्लानिंग के अंदर अपना इंस्टेंट ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, जिसके लिए मैं बनाने लगी हूँ मसाला ओट्स। तो मसाला ओट्स गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आप ये टिप अपने बच्चों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके हॉस्टल में रहते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो वर्किंग है, इनफैक्ट आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप वर्किंग है, चाहे आप होम मेकर हैं, आपके लिए भी बहुत यूज़फुल है। इसके लिए मैंने फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स को यूज़ करा है, जैसे कि अनियन, कैप्सिकम, कैरेट एंड बीन्स। इस पर जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ कर रहे हैं आप वो चॉपर की हेल्प से भी चॉप कर सकते हैं, मैंने हैंड से चॉप करी है। उसके बाद आप वेजिटेबल्स को 6 मिनट्स के लिए ना माइक्रोवेव में रख देंगे, एंड 3-3 मिनट के बैचेस के बाद ना यू हैव टू चेक कि वो वेजिटेबल्स आपकी जली ना हो, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं ना मसाला प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगी मसाला ओट्स के लिए, जिसके लिए मैंने 1 टीस्पून सबसे पहले टर्मरिक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जो है मैंने किचन किंग लिया है, 2 टीस्पून जो है मैंने वो सॉल्ट के यूज़ किए हैं, एज वेल एज 1 टीस्पून मैंने भुना हुआ जो है जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून जो है मैंने वो अमचूर लिया है। अच्छे से मसाले को मिक्स करके मैंने यहाँ पे एक ओट्स का बोल ले लिया है। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो मसाले की क्वांटिटी नेचुरली बढ़ जाएगी। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं बनाऊंगी वो देसी घी के अंदर बनाऊंगी, तो 1 टीस्पून मैंने देसी घी लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे मसाला ओट्स और जो भी मेरे पास वेजिटेबल्स और मसाला मैंने प्रिपेयर किया था उसको मैं हार्डली 3-4 मिनट्स जो है ना वो अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। आपको अच्छा सा कलर आना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि जो आपके ओट्स है ना वो प्रिपेयर हो गए हैं। ये जो ओट्स मैंने लिए हैं ये मार्केट वाले ओट्स हैं, और यहाँ पे देख लीजिए आपके जो ओट्स हैं ना वो प्रिपेयर हो गया, आपका जो ब्रेकफास्ट है इंस्टेंट वाला वो आपका तैयार हो चुका है। इस तरह आप उसको ठंडा होते ही कंटेनर में डाल लीजिए। अब अगले दिन जब भी आपको ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है तो 1 कप लेकर उसके अंदर 3 कप जो है ना आपको हाफ हाफ कप वाला वाटर जो है वो ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए ओट्स तैयार हो गए हैं, और आपकी जो मॉर्निंग है वो आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं और अपने शैतान से बच्चे को भी दे सकते हैं। सेकेंड
सेकंड आइडिया जो है वो है मेरे पास पोटैटोज़ का, तो मैंने यहाँ पे जो पोटैटोज़ हैं उनको बॉईल कर लिया है और साथ में उनको ग्रेट करके और या फिर आप मैश करके भी रख सकते हैं और एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका मन करे, आपको आलू का परांठा बनाना है अपने बच्चे के लिए या आपको ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविचेस बनाने हैं, तो आपके पास मटेरियल तैयार है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने नाश्ते के लिए सैंडविचेस तैयार कर लिए, आराम से अपनी चाय के साथ अपना ब्रेकफास्ट जो है वो मैं एंजॉय करूँगी। साथ में कभी आप चाहें तो आलू का परांठा भी बना सकते हैं, आलू आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो अब हम शुरू करते हैं वेजिटेबल्स के लिए कि हम किस तरह वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे वीक की वेजिटेबल्स निकाल ली हैं जो मुझे चाहिए। यहाँ पे ना ये वाले गाइस मैं बैग जो है वो यूज़ करती हूँ अपने वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्रीदेबल बैग्स हैं, इनमें छोटे छोटे होल्स हैं एरिएशन के लिए और ये ऑर्गेनिक कॉटन के बैग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और ये पर्सनल मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये सारा मैं यूज़ कर रही हूँ और इससे बहुत अच्छे से आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी नॉट ओनली फॉर द वीक, आप ज़्यादा टाइम के लिए भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये आप चाहें तो अमेज़न से या फिर डॉलर स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स की जो चॉपिंग है ना वो शुरू हो गई है, तो पूरे वीक की जो जो वेजिटेबल्स मैंने प्लान करी हैं वो सारी की सारी मैं अब यहाँ पे चॉप करना शुरू कर दूँगी। चॉप करने के बाद हर एक वेजिटेबल को मैं धो नहीं रही हूँ, जिस टाइम बनाना है मैं उसी टाइम पे धोती हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप वेजिटेबल को ना पहले वॉश कर देते हैं तो वो ख़राब ज़रूर होती है, तो बेटर है आप जब बनाएंगे ना उस टाइम पर उसको वॉश कर लें। तो ये बहुत अच्छे टिप्स है गाइज, और ख़ासकर वर्किंग वीमेंस के लिए, नॉट ओनली फॉर वर्किंग वीमेंस, आई मस्ट से होम मेकर के लिए भी, क्योंकि हमें हमारा टाइम जो है, कई बार हम लोगों को हर टाइम दिमाग में रहता है कि क्या बनाना है, कब कैसे बनेगा, जल्दी जल्दी सारी वेजिटेबल्स चॉप करनी पड़ेंगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सारा सामान तैयार होगा ना, तो आपको ना तो टेंशन होगी, ना ही आपको जो है ना अपने बच्चे को या अपने आप को जो है परेशान करना पड़ेगा भूख के लिए। तो यहाँ पे देखिए बीन्स को मैं जिपी लॉक में पैक कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ बैग के। यहाँ पे मैंने ना कैरेट और कैप्सिकम को भी चॉप कर लिया, क्योंकि बीच में जो भी पोहा बनता है या फिर आपकी नमकीन सेवियाँ बनती है या फिर कुछ भी बनता है छोटा मोटा जो आपका ब्रेकफास्ट का, उसके लिए आपको फाइनली चॉप कैप्सिकम एज वेल एज कैरेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये देखिए मेरे पूरे वीक की जो है वेजिटेबल्स यहाँ पे चॉप हो चुकी हैं और तैयार हो रही हैं फ्रिज में जाने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड आपको स्नैक के लिए मैं टिप दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना मखाना पहले ही फ्राई करके रख देती हूँ, आप इस तरह बहुत और चीज़ें भी है जो फ्राई करके रख सकते हैं। तो मखाने के लिए मैंने देसी घी डाल के उसमें मखाना डाल दिया है पूरा एक पैकेट, एक ही चम्मच देसी घी मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा किचन किंग डाल के इसको हल्का सा सलाद रोस्ट कर दिया और अभी मैं इसको बॉक्स में रख रही हूँ। तो ये देखिए जब भी किसी का मन करता है ना वो शाम को चिप्स एंड ऑल खाने का, तो ये बहुत अच्छा। मेरे बेटे की जब स्कूल में क्लास चल रही होती है ना, उसका बिस्किट्स खाने का बड़ा मन करता है, तो अब मैंने उसको ये आइडिया दिया कि आप अपना बॉक्स लेकर आराम से अपना जो है वो स्नैक ले सकते हैं, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है स्नैक का आइडिया मैं तैयार कर रही हूँ, ये आप ब्रेकफास्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं। पर्सनली मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रवा जो है आपकी सूजी उसको जो है मैंने रोस्ट कर लिया है, तो इससे आप बच्चों को मीठी सूजी भी बना के दे सकते हैं और साथ ही साथ मीठी सूजी के साथ साथ आप उनको जो है ना इडली भी बना सकते हैं इसकी, तो या और आप ना उपमा भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे बॉक्सेस अब तैयार हो चुके हैं, अभी मेरी ना जो मुझे टेंशन नहीं रही है कि मुझे पूरे वीक क्या बनाना है, क्या सोचना है, तो यहाँ सारा कुछ तैयार है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा ना, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। अगर चैनल पर न्यू है और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब के छोटी सी फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा। कोई भी सजेशन है या आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।